बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि हर किसी के घर का नमक नहीं खाते। क्यों नहीं खाते, ये आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे जुड़ी एक बहुत ही प्यारी कथा आपको महाभारत में मिलती है, और ये कथा है, ये जो संवाद है, ये द्रौपदी और भीष्म पितामह के बीच की है। तो क्या है वो कहानी कथा, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से धर्मा लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि बाकी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम आज बात कर रहे हैं क्यों नहीं खाते हैं हर किसी के घर का नमक। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार भीष्म पितामह जब रणभूमि में बाणों की सया पर सोए हुए थे, तब उस समय द्रौपदी और पांडव पुत्र उनसे मिलने के लिए आए। द्रौपदी ने सुना कि भीष्म पितामह उस समय बहुत ही ज्ञान की बातें कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों को समझा रहे थे जो उनके आसपास थे। तो द्रौपदी ने उनसे पूछा कि आपका ये ज्ञान, आपकी अच्छी बातें, आपका ये साहस उस समय कहाँ गया था जब मेरा चीरहरण हो रहा था, तब आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की। तो भीष्म पितामह ने जो जवाब दिया उसमें ही आज के इस वीडियो का मतलब छुपा है। भीष्म पितामह ने कहा कि उस समय मैं, सबसे पहले तो उन्होंने द्रौपदी से माफी मांगी इस चीज के लिए, और कहा कि उस समय मैं दुर्योधन की तरफ से था, मैं दुर्योधन का नमक खा रहा था। तो इसीलिए जब किसी का नमक खाते हैं तो उसी के अनुसार आपको जो है आपकी चीजें हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा मेरा धर्म उसकी तरफ था, मेरी सारी चीजें जो है दुर्योधन की जैसी थी, तो इसीलिए मैंने उस समय तुम्हारी रक्षा नहीं की, जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी। तो द्रौपदी ने पूछा तो अब आप अचानक से ये अच्छी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप तो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि अब जो ये रक्त निकल रहा है मेरे शरीर से, ये सारे रक्त में उसके द्वारा खिलाए गए नमक से बना हुआ है, और ये सारा रक्त निकल चुका है। तो अब जो मैं हूँ वो मैं वापस से भीष्म पितामह हूँ। और इसीलिए उन्होंने द्रौपदी से माफी भी मांगी और साथ ही साथ जो है उन्हें जो है उस नमक का मतलब समझाया। तो इसीलिए कहते हैं इस कथा के बाद से ही बहुत सारे लोग कहने लग गए कि जो है हर किसी का, कहते हैं अगर आप अधर्मी के घर का नमक खा रहे हैं, यानी कि जिसके घर में बहुत ही ज्यादा आपको पता है कि वो इंसान सही नहीं है, आप उसके घर का नमक खाते हैं, आपके अंदर भी वैसी ही चीजें आ जाती हैं। अगर आपको लगता है, हिंदू धर्म में ये चीज बताई गई है, नमक का बहुत ही ज्यादा महत्व है, अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान जो है अच्छे कर्मों में नहीं है, अच्छे काम नहीं करता, जो है कुछ गलतियां करता है, बहुत सारे पाप करता है, तो आपको कभी भी उसके घर का नमक नहीं खाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी, आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही कहानियां और ऐसी ही रोचक चीजें और जाननी है तो मुझे वो भी आप लिखकर बता सकते हैं। हिंदू धर्म में हर एक कथा के पीछे, हर एक जो है कहानी के पीछे मतलब छुपा है। हमारे शास्त्रों को पढ़ें, हमारे वेदों को पढ़ें, आपको बहुत ही ज्यादा चीजें पता चलेंगी। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।